मेरठ में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। आसपास के राज्यों में जिस तरीके से बर्ड फ्लू की दस्तक है, ऐसे में मेरठ प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। हसनपुर के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जबकि बर्ड फ्लू को लेकर क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरीके से अधिकारी लगे हुए हैं और क्या अवेयरनेस इसमें फैलाई जा रही है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचा हुआ हूँ। अनिल कंसल जी मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर अचानक से ये सूचना आई कि बर्ड फ्लू आ गया है, चूंकि पहले कोविड था, बर्ड फ्लू आ गया है, क्योंकि डबल मार, लोगों को सबसे पहले अवेयर होने की क्या जरूरत है, और थोड़ा सा इस बारे में विस्तार से बताइए सर। देखिए, ये जो वायरस है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के द्वारा फैलता है। ये एक सीज़न है जो हर साल आता है, जिसके अंदर दिसंबर जनवरी के अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया के ऊपर से फ्लोन करती हैं और वो थोड़े समय हमारे देश में भी विभिन्न स्थानों पर रहती हैं। जैसा कि आपने बताया कि केरला के अंदर वहाँ आउटब्रेक घोषित कर दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये डेडली वायरस है, परंतु अगर हम एहतियात बरतते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। और अभी तक जनपद के अंदर परसों जिलाधिकारी महोदय ने एलाइड डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक आयोजित करी थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, पर्यावरण विभाग और पुलिस विभाग, जिनके अलग अलग दायित्व होते हैं आउटब्रेक की स्थिति में, उनको सबको साथ लेकर हमें दिशा निर्देश दिए थे। हमने रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन करा है, जो जिला स्तर पर, जिस पर मैं देख रहा हूँ, मेरे तहसील स्तर पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उसे हेड कर रहे हैं, और ब्लॉक स्तर पर मेरे पशु चिकित्सा अधिकारी, गांव लेवल तक हमने पैरावेट्स को अलर्ट कर दिया गया है। अगर कहीं से भी ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है जहाँ पर कुछ अधिक संख्या में बर्ड्स असामयिक मौत से मरें और उनकी संख्या ज़्यादा हो, जिसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को मिलती है और उस पर हमको कार्रवाई करनी होगी। परंतु जनपद में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय सूचना ना वन विभाग को ना हमें प्राप्त हुई है। हस्तिनापुर बर्ड सेंचुरी में मेरे अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी इस समय भी दौरे पर हैं। मेरी अभी उनसे 2 मिनट पहले ही बातचीत हुई थी, वहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, इस समय पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सर, जो चिकन खाने के शौकीन हैं या फिर अंडे खाने के शौकीन हैं, उनके लिए क्या कहेंगे और उसका इंसानी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है, थोड़ा सा बताइए सर। ये जो वायरस है ये थर्मोलेबाइल वायरस है, इसकी 70 डिग्री टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ अगर हम बॉईल करते हैं तो इसकी मौत हो जाती है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाह ना उड़ाएं कि अंडा खाने से या मांस खाने से ये बीमारी फैलती है। नहीं, ये बीमारी हर पशु के द्वारा उत्पादित फैलने वाली बीमारियों में से एक है। आप दूध को ही ले लें, दूध भी पशु का उत्पादन है, अगर आप उसको बॉयल करे बगैर रख लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप बिना बॉयल करी हुई चीज़ की मिठाई खाएंगे तो आपको डायसेंट्री होनी तय है। उसी प्रकार से इस वायरस से बचने के लिए अगर आपको अंडा खाना है या चिकन का मीट खाना है तो आपके लिए श्रेयकर होगा कि आप उनके उत्पादों को उबाल कर खाएं, फ्रोजन फ्रूट्स, और आप डायरेक्ट इसको ना खाएं। जैसे कि कुछ लोग खाते हैं कि अंडे की ताकत के लिए रॉ अंडा लेकर तोड़ा और उसको दूध में मिला के खा लिया, इसको आपको फिलहाल रोकना होगा। परंतु बॉइल्ड एग खाने के बाद ये बीमारी नहीं होती, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सर, अगर ये बीमारी मतलब इंसान को हो जाए तो इसमें क्या क्या होता है, और आपने सावधानी तो बता ही दी है, तो इंसानों को जो लोग डर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे बचने का तो तरीका बता दिया, लेकिन ये होता क्या है बेसिकली, क्योंकि जो कोरोना वायरस है अंदर से तोड़ देता है, आदमी को बुखार हो जाता है, तमाम चीज़ें होती है, इसके क्या लक्षण है। जिस तरीके से कोई भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसी की प्रकार के इंसान में लक्षण आते हैं। अगर आप ग्रसित हो जाते हैं, आपके नेजल डिस्चार्ज होगा, आपकी आइज लैक्रिमेशन डिस्चार्ज होगा, आपके खांसी आएगी, आपके एलर्जिक रिएक्शंस एब्रप्ट हो जाएंगे और आपको तेज बुखार होगा। बुखार होगा, इसके लिए एक तौर पर जो डॉक्टर
देखिए, इसके बाद तो स्वास्थ्य विभाग का रोल प्ले हो जाता है, आपको किसी चिकित्सक को दिखाना होगा, उसमें निमोनिक साइंस आते हैं, उसी हिसाब से वो लोग इलाज करते हैं। हम पशुपालन से संबंधित होकर अगर हम देखा जाए तो हम तो बर्ड्स में आने वाले सिम्टम्स के बाद ही बर्ड्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और एक प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित, उसके तहत 100% उस फार्म की बर्ड्स को बरियल कर दिया जाता है और टोटल एरिया को किलोमीटर वाइज हम सैनिटाइज कर देते हैं, 100% ह्यूमन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है। बिल्कुल, मेरठ के में तो खास तौर से जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे, यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है, आप मीट खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। थोड़ी सावधानियाँ बरतनी है, जो आप खाएंगे उसको बॉयल करना है, बिना बॉयल करने नहीं खाना है। तो फिलहाल इतनी कोई आवश्यकता नहीं है डरने की, और जिस तरीके से पैनिक लोगों में फैल रहा है उसको फैलाने को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरठ से अपने सहयोगी रियासत अली के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।